Wonderful achievement. बच्चों तालियां नहीं रुक लीजिए आपकी। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है आपके खेल का। T10 गली क्रिकेट सीजन 2। नशे से दूर रहे, क्रिकेट के साथ रहे, इसीलिए बोला जाता है बल्ला घुमाओ। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन संजय टंडन सर, कंग्रेचुलेशन एंड द होल टीम ऑफ UTCA, कंग्रेचुलेशन। और अब जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, शब्द ऑनेस्टली किसी के पास भी नहीं होते जब उनको बुलाया जाता है। मैं नहीं, कोई भी एंकर हो दुनिया का, उनके लिए शब्द वाकई नहीं मिलते कि उनको बुलाया कैसा जाए। 1983, अभी अशोक सर ने हमें बताया कि इंडिया को मेडल लाना उन्होंने सिखाया, उन्होंने जीतने की प्रेरणा दी, उन्होंने जीतना सिखाया कि इंडिया किसी से भी कम नहीं है, कहीं पर भी जाकर किसी को भी हरा सकते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे मैच जिताए, सबको याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली थी, और जो वेस्ट इंडीज का सबसे खतरनाक बैट्समैन, क्या नाम था उनका, लेकिन उनका जो कैच पकड़ा था बार बार टीवी पे, इसीलिए दिखाया जाता कि हमारे जहन में हमेशा उनकी याद ताजा रहे। वो कहते हैं कि इंडिया को हर मैच को करते थे सेव, हर फंसे हुए मैच को करते थे सेव, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, उनकी चलती थी वेव, द वन एंड ओनली कपिल। बहुत हो गया। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर। जब स्टेज पे बैठ के ज्यादा तारीफ किसी की हो तो वो बेइज्जती होती है, कि अगर इतनी तारीफ, इसलिए मैंने माइक पकड़ा, माफी चाहता हूँ उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं पहले आप सबकी तारीफ कर लूँ जो ये बैठे हैं, फिर बच्चों से बात करूँगा। बहुत अच्छा लगा टंडन साहब आपने और आपकी टीम ने, आपकी तारीफ नहीं ज़्यादा करना चाहता लेकिन आपकी टीम की तारीफ करना चाहता हूँ। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने काम किया, आपकी टीम ने काम किया, उनके लिए आप तालियां बजाएं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं कैप्टन था लेकिन टीम की जीत थी, अकेले की जीत नहीं हो सकती, इसलिए टंडन साहब कप्तान रहे इस टूर्नामेंट के, पर टीम की जीत होनी चाहिए। जिन्होंने 300 मौका दूंगा 300 मैचेस में सिर्फ 17 मैचेस नहीं खेल पाए, इससे बड़ी बात क्या होती है। और जब हम क्रिकेट खेलते थे हमें सिर्फ जुनून था, वो कहते नशा मत करो, करो नशा खेलने का नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए खेलने का। जिस दिन आप में वो जुनून आ गया खेलने का, आपको कोई नहीं छू सकता। वो आजकल कहते हैं बहुत प्रेशर है, किस चीज का प्रेशर है, खेलने का तो मजा है, खेलने का प्रेशर नहीं हो सकता। और जिसको खेलने का प्रेशर है वो मत खेले। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं कि खेल ठीक है लेकिन पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना कभी, पढ़ाई उससे 100 गुना इम्पोर्टेंट है, इसलिए जरूर खेलो, दिल लगा के खेलो लेकिन पढ़ाई को इग्नोर कभी नहीं करना। पढ़ाई आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, खेल एक समय आएगा कि उससे ज़्यादा नहीं खेल पाओगे। तो ये साथ में बच्चों को कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई जरूर करना, ये एग्री। और अगर कभी आप
प्लेयर बने और जब भी आप प्लेयर बने हिंदुस्तान के लिए, फिर आपको पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ खड़े होके बोलना पड़ेगा। मैंने स्ट्रगल किया इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता था, पर क्रिकेट ने सिखा दिया बोलना। इसलिए तमाम उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि खेल में बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना। और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, वो आपकी सेहत है। और सेहत ये नहीं कि बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा खाना है, जो घर का अच्छा खाना है वो खाना खाना सीखो, एहसास करो। जिस दिन आप सब बच्चे पहचान जाओगे आप क्या हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। जरूर खाओ पिज्जा, जरूर खाओ बर्गर, पर बेसिक खाना मत भूलो। तू भी सुन ले यार, हेलो, तू भी सुन ले वीर, क्या घूम गया? नहीं कुछ तो घुमा यार, कोई मजाक कर रहा था, क्योंकि खेल में मजाक नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। और सबसे अच्छा लगा टंडन साहब, सबसे अच्छा अच्छा लगा कि